लव्य जिंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह क्या किस्मत पाई है। लेकिन हर एक कामयाबी की कहानी के पीछे संघर्ष की कहानी तो ज़रूर होती है। आज हम जिस शख्स के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, उनके भी संघर्ष की कहानी है। वो सफल है, संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अकेडमी चला रहे हैं, वो भी ताइक्वांडो की। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनकी इस कामयाबी के पीछे की कहानी को बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज इस विशेष प्रोग्राम में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात मैं कर रही हूँ गगन गोस्वामी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, ताइक्वांडो की एकेडमी चलाना, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान सफ़र तो रहा नहीं होगा। कैसा था ये सफ़र? कैसे मन में ख्याल आया कि मैंने ताइक्वांडो की लाइन में जाना है? आपने सोचा था या परिवार वालों ने फैसला लिया था? एक्चुअली मैम, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। हमने बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से हमने हर चीज़ स्टार्ट किया है जी। तो जब हमने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था तो परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उस टाइम हमारे पास फीस भी देने के लिए पूरे पैसे नहीं होते थे, तो हम अपने सर को कुछ पैसे हम 2-3 महीने बाद लेट पे करते थे। और उसी दौरान मेरे फादर की मतलब राइट साइड कुल्हे का ऑपरेशन हुआ था, तो वो 4 साल तक हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो हॉस्पिटल जाना आना और घर भी चलाना मतलब बहुत मुश्किल होता था। मम्मी थे, मम्मी भी मेंटली डिप्रेस्ड रहते थे, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल स्थिति से हम लोग निकले हैं। लेकिन मैं अपने फादर, अपने फैमिली को बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल करना चाहता हूँ कि जो मर्जी कंडीशन आई हमारी लाइफ में, लेकिन हमने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा जी। हमने कंटिन्यू क्लास लगाई है, एग्ज़ाम भी होते थे, पढ़ाई भी करनी होती थी। 2 सिस्टर हैं मेरी छोटी, बचपन से उनको साथ लेकर चला हूँ। और गरीबी को मतलब बिल्कुल अपने करीब से देखा है। कई बार ऐसा भी होता था कि खाना भी हमें बहुत मतलब मुश्किल से हम पूरे दिन का खाना खाते थे जी। तो स्पोर्ट्स में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस चीज़ को हमने बहुत मतलब ज़ीरो लेवल से झेला है। वो एक मुश्किल समय था, लेकिन वो संघर्ष करने के बाद स्पोर्ट्स जैसे तैसे करके हमने कंटिन्यू रखा। मेडल्स आते गए, अचीवमेंट्स आती गई, परिवार ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर मैं एज अ कोच मैंने इस गेम में कदम रखा, क्योंकि परिवार को चलाना बहुत ज़रूरी था। कोचिंग के साथ साथ अर्निंग स्टार्ट हो गई। अर्निंग के साथ साथ 2 सिस्टर्स को मैंने उस काबिल बनाया कि वो अच्छे लेवल पर खेल सके, अच्छा पहन सके, अच्छी इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कर सके और अच्छी जगह पर जाकर भी टूर्नामेंट में भाग ले सके। और इसके साथ साथ मम्मी पापा हैं, उनको भी मैंने थोड़ा स्ट्रेसलेस किया, परिवार को सपोर्ट कर कर। घर नहीं था, बहुत मुश्किल से हमने एक छोटा सा घर लिया, उसको बनाया। और अब एक स्टेज पे है कि मैं अपने दम पर अपने परिवार को चला सकता हूँ और किसी एक गरीब की मैं मदद भी कर सकता हूँ। उनको मैं खाना दे सकता हूँ, उनको फ्री में ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग समय था जिसको मैंने अब पार कर लिया है, तो बहुत खुशी मिलती है। सर, अक्सर ही ऐसा होता है कि जब कोई इंसान गरीब होता है, जैसे आपने भी बताया, तो परिवार वाले कहते हैं कि तुम क्या काम कर रहे हो, ये छोड़ो, किसी गेम को छोड़ो, सोचो कमाने के बारे में सोचो। तब आप कहते होते थे कि नहीं, मैंने तो गेम खेलनी है। तो परिवार वाले साथ दे देते थे या एक ज़िद्द थी कि मैंने जाना है इस लाइन में? एक्चुअली यही चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई है कि मेरे फादर साहब ने हर कंडीशन में मेरा साथ दिया है जी। उन्होंने मुझे इसलिए मोटिवेट किया है कि तुम खेलो। और वो मुझे डांट पड़ती थी जब मैं छोटा था कि तुम क्लास में क्यों नहीं गए। जब मैं कोच बना तो अंदर से एक इंटरेस्ट आ गया कि जो जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई अपने करियर में, प्लेइंग लाइफ में, वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा और उससे हाई लेवल में दूंगा। तो उसी के साथ साथ मेहनत करना स्टार्ट किया, मोटिवेट होता गया, रिजल्ट आता गया, टीम ने भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। एक टाइम था कि मैं टीम के साथ खेलता भी था और ट्रेनिंग भी देता था, तो अचीवमेंट मेरी भी आती गई, टीम की भी आती गई।
और काफ़ी स्कूल्स में बहुत सारी जगह पे जॉब किया, बहुत सारा एक्सपीरियंस बटोरा, नेशनल लेवल पर बड़े बड़े कोचिज से मिला जी। उनका एक्सपीरियंस उनसे लिया, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें शेयर करी, अच्छे से अच्छे एथलीट से मिला। और इसमें मेरा कोई भी अर्निंग बेनिफिट नहीं था जब मैं ये सारी लर्निंग ले रहा था जी। मुझे अभी एज अ कोच 11 साल हो चुके हैं, ये मेरा 11वां साल जा रहा है, और अब जाकर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है ज़िंदगी के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कि मैं इसको एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकता हूँ। इसलिए सभी को मैं एक ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में पेशेंस ज़रूर रखें, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आएगी, उससे आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है जी। सर, क्योंकि ताइक्वांडो एक ऐसी गेम है जिसे ज़्यादातर लोग परिचित नहीं है, नहीं जानते इस गेम को। एक क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके बारे में बच्चा बच्चा भी जानता है। कभी इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई जब आप ताइक्वांडो करते थे, खेलते थे, तब मन में नहीं ऐसा कभी आया कि अगर फ्यूचर में मैं कुछ ना बना? क्योंकि परिवार का जो सहयोग तो था, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर पाते, तो कभी मन में ये नहीं आया कि अगर मैं कुछ ना बना तो फिर क्या होगा मेरा? एक्चुअली जब हमने स्टार्टिंग में, जब मैं 9 साल की उम्र का था, तब से मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया। ताइक्वांडो ज्वाइन करने के एक डेढ़ साल बाद एक ऐसा सिचुएशन आया कि जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझसे टूट गए। वो सभी ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे, किसी ने एकेडमी ज्वाइन की थी, लेकिन मैं ताइक्वांडो खेलता था, और लास्ट में मैं अकेला एक बच्चा रह गया था पूरे स्कूल से और अपने सोसाइटी में कि ताइक्वांडो मैं खेल रहा हूँ, और मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा हूँ, सिस्टर ने भी ज्वाइन किया। तो एक चीज़ मतलब फील होती थी कि मैं क्यों अलग हूँ दुनिया से। फिर एक समय आ गया कि ताइक्वांडो मुझे नहीं करना, मैं भी क्रिकेट करूँगा जी। फिर पापा की फटकार लगी और मैंने कंटिन्यू रखा। उस चीज़ की समझ मुझे उस उम्र में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एक्सपीरियंस मिलता गया, और मैंने जैसे देखा कि जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं 4-5 साल बाद वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी। वो या तो स्टडी में चले गए हैं या बिल्कुल स्टडी से भी मतलब नीचे डाउन आ चुके हैं और स्पोर्ट्स भी नहीं है। और मेरे पास ये था कि 4-5 साल स्पोर्ट्स करने के बाद मेरे पास कुछ अचीवमेंट्स थे जिससे मुझे कुछ रिस्पेक्ट मिलती थी। स्कूल्स में जब आपकी असेंबली में सभी बच्चे, पूरा स्कूल आपके लिए तालियां बजाता है आपके मेडल आने पर, तो एक अंदर से एक अलग खुशी आती है। धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया और नेशनल लेवल पर काफ़ी अचीवमेंट्स मिली है। उसके बाद अच्छा लगने लगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ अलग है। ताइक्वांडो गेम का स्तर अभी चलो नीचे है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ये पता था कि मैं शाइन करने वाला हूँ, और ताइक्वांडो गेम का स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई जाने वाला है जी। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट 90% स्कूल्स में ताइक्वांडो गेम खेली जाती है जी। और उसमें बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ मार्शल आर्ट को ज्वाइन करते हैं, ताइक्वांडो को ज्वाइन करते हैं, जिससे उनको कई बेनिफिट्स मिलती है, और पेरेंट भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स करें तो ताइक्वांडो करें, हमारे जो बेटियां हैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करें तो उसमें मार्शल आर्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मिलता है और ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। बाकी दोस्तों, विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सर को विश्वास था कि मैं इस लाइन में कुछ करूँगा। सर, अब ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सिचुएशन से घबरा जाते हैं, कई बार गरीबी से, या कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि कोई आपको मोटिवेट नहीं करता तो घबरा जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और ऐसी स्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में भी आई होंगी जब आप टूटे होंगे। जब आप टूटते थे फिर जुड़ते कैसे थे? एक्चुअली बचपन से ही मेरे फैमिली ने मुझे जो मतलब एक भीड़ होती है ना, भीड़ से अलग चलना सिखाया था जी। सभी लोग एक भीड़ में रहना पसंद करते थे, लेकिन मुझे एक अंदर से बचपन से एक मतलब अलग से एक सोच थी कि मैं कुछ अलग करूँगा। तो मैं जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, मैं लोगों को टाइम देना मैंने कम कर दिया था, अपने दोस्तों को टाइम देना कम कर दिया था, और अकेला बैठकर रूम में मैं लिखता था, सोचता था, प्लानिंग करता था जी। और अदर देन स्पोर्ट्स भी सोसाइटी में रहना कैसे है, अपना बिहेवियर कैसा रखना है, सोसाइटी को समझा मैंने। किताब से तो मैंने पढ़ाई करी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी क्या है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बहुत ही ग्राउंड ज़ीरो के लोग हैं, हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन सबको देखा, समझा, फिर उस चीज़ को जब मैं एज अ कोच आया तो यहाँ भी बहुत सारी सिचुएशन आई कि बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं।
तो उनकी कमियाँ बहुत सारी पता चली, फिर बहुत अच्छे घर से भी बच्चे आ रहे हैं उनको भी समझा, तो लास्ट में पाया कि जो असली टैलेंट है इंडिया का मतलब वो कम नहीं है, वो हर अमीर से अमीर घर के बच्चे के अंदर भी है और गरीब से गरीब घर के बच्चे के अंदर भी है। तो मैंने कोशिश की कि जो भी बच्चे हैं जो नीडी हैं, खाने की कमी है, पैसों की कमी है, उनको मैं जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प कर सकूं। और कुछ बच्चों को हमने स्पॉन्सर भी किया जी। और फ्री ट्रेनिंग दी, काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी, जैसे कुछ गेट कीपर के बच्चे हैं, माली के बच्चे हैं और चौकीदार के बच्चे हैं और बहुत ही मतलब लो क्लास जो वर्कर्स हैं उनके बच्चे हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिया, उनके परिवार को समझाया, उनको मोटिवेट किया, अवेयर किया कि सोसाइटी में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है और आने वाले समय में आप इसका लाभ उठा सकते हैं जी। तो ऐसे ही कुछ बहुत गरीब घर के बच्चों ने अच्छी अपॉर्चुनिटी ली, उन्होंने फ्री में एजुकेशन लिया, जॉब मिली है कुछ बच्चों को, तो काफ़ी खुशी मिलती है कि जो काम आपने एक बार ठान लिया है, अगर आपने ठाना है तो आप कर लोगे, बस गिव अप ना करें लाइफ में जी। बाकी दोस्तों मैंने कहीं पर सुना था ये कि अगर ज़िंदगी में आप परेशान हो जाते हो, अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, तो क्या करो, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी के रंग भर दो, देखना खुशियाँ अपने आप आपके दरवाजे पर आ जाएंगी। सर आपके पीछे बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारे मेडल्स भी आपके पास होंगे, थोड़ा सा बताइए कि इन यादों के बारे में, इन्हें अचीव करना कैसा रहा, और पहली बार जब आप किसी कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए गए थे वहाँ की मेमोरीज़ क्या थी? मेरी जर्नी जब ताइक्वांडो में स्टार्ट हुई तो मैं दूसरों के गले में मेडल टंगा हुआ देखता था जी। तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन स्टार्टिंग की जो मेरी शुरुआत थी ताइक्वांडो गेम में बहुत अच्छी नहीं थी। एज अ प्लेयर जब मैं जाता था कॉम्पिटिशन में, मतलब बॉयज़ में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता था, मैं हरियाणा से खेलता था जी। तो यहाँ पर 3-4 फाइट आप अगर जीत भी रहे हो तब भी बहुत चांसेस कम होते थे कि आपका मेडल आएगा, बिल्कुल लास्ट में 7th-8th फाइट में जाकर आपको मेडल मिलता था। तो 2-3 कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग के मेरे ऐसे गए हैं जो मैं खाली हाथ घर आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंदर से फील होता था कि मुझे भी कोई मेडल दे दो, गलती से ही कोई मुझे मेडल दे दो, ऐसे ही दे दो, मैं भी चाहता था कि मेडल आए, बहुत खुशी मिलती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा फर्स्ट मेडल आया, तो अंदर से आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था मेरा और घर वाले भी खुश हुए कि मेडल लेकर आया हूँ मैं, तो बहुत खुशी मिली। उसके बाद जब मैं कोच बना तो जब मेरी टीम हमारे स्टेट में फर्स्ट आई तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराने वाला दिन था कि क्या इस ट्रॉफ़ी का जिम्मेदार मैं हूँ, क्या मेरी वजह से ये ट्रॉफ़ी आई है, मेरी टीम को मिली है, तो बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद लोगों ने कांग्रेस किया मुझे और बहुत बधाई दी, तो अच्छा लगा। उसके बाद चीज़ें चलती गई, सीखता गया और आज आपके सामने हूँ। बहुत अच्छी बात है, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और शिद्दत भी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। अब कौन सा सपना देख रहे हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? अभी तक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुके हैं जी। इंटरनेशनल ट्रायल्स में जा चुके हैं जी। और इसको देखते हुए मैंने एक ऐसा इंडोर हॉल तैयार किया है जिसमें बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी मिल सके जी। हमने ग्राउंड में घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, फर्श के ऊपर 6-7 साल ट्रेनिंग दिया जिसमें बच्चे नेशनल लेवल तक पहुंच गए जी। लेकिन अब लगता है कि अगर तिरंगा लहराना है भारत का तो एक अच्छी इक्विपमेंट के साथ अच्छी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने अभी रिसेंटली ही एक अकेडमी तैयार की है जिसमें हाई स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ पर बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे स्टूडेंट्स इंडिया टीम से खेलें, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप और ओलंपिक तक जाएं और देश का नाम रोशन करें। और हमारे देश में एक अवार्ड मिलता है कोच को जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, दैट इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड। तो मैं चाहता हूँ कि क्या पता आने वाले टाइम में शायद वो अवार्ड मैं लेने का हकदार बन सकूँ।
बाकी सर हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है, क्योंकि आपने अगर सपना देखा था एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पर कई समस्याएं थी, तो उस समस्या को आपने अपने रास्ते में आने नहीं दिया और अब आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपका ये भी सपना पूरा हो हम यही आशा करते हैं। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपकी जो बहनें हैं वो भी ताइक्वांडो करती हैं, अक्सर ही लोग लड़कियों को किसी गेम में जाने से रोक देते हैं, आपने अपनी बहनों को मोटिवेट किया या आपकी बहनों ने आपको मोटिवेट किया? इस लाइन के लिए मैं इन सब चीज़ों का श्रेय मैं अपने फादर साहब को देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें लाइफ में कभी गिव अप होने नहीं दिया, पैसे पॉकेट में ना होने के बावजूद वो हमें हमेशा पुश करते थे कि ठीक है मैं करूँगा। कॉम्पिटिशन में जाते थे, पैसे नहीं होते थे दूसरे स्टेट में जाने के लिए, किराया खाने का खर्चा, पर वो उधार लेकर वो हमें भेजते थे। तो जो स्पोर्ट्स का क्रेज़ है वो फादर साहब की तरफ से हमें मिला है कि बेटियों को भी आगे बढ़ाना है और अपने बेटे को भी आगे बढ़ाना है और सभी को पैरेलल रखना है कि कोई भेदभाव नहीं, हम खाना एक साथ एक थाली में बैठकर घर पे खाते हैं जी। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एक साथ जाते हैं, क्या बात है, और हम घूमने जाते हैं तब भी एक साथ जाते हैं, क्या बात। अभी मेरी उम्र 27 साल है, अगर मैं किसी बड़ी पार्टी में जा रहा हूँ तो मेरी बहन मेरे साथ में जाती है जी। और मैं इंजॉय करता हूँ तो इसके साथ करता हूँ जी। तो ये सारी चीज़ें वाकई दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी का साथ मिल जाए ना तो हर एक चीज़ आसान लगती है, जैसे कि इनके परिवार में इनके पिताजी ने इनका साथ दिया और इनकी बहनों का साथ दिया। और जेंडर इनइक्वालिटी की बात जो हम अक्सर ही करते हैं, अगर ऐसे पेरेंट्स हो जाए तो मेरे ख्याल से ये समस्या कभी भी किसी घर में भी नहीं होगी, समाज में भी ये वर्ड जो है शायद ख़त्म हो जाएंगे। सर एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर ही जब स्पोर्ट्समैन जो है इस प्रोसेसिंग स्टेज में होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि स्पोर्ट्समैन फेस करता है? अभी तक जो मैंने सबसे बड़ी अभी तक की जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम देखी है उसमें सबसे बड़ा रोल है रिलेशनशिप्स, जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं जी। सभी मतलब मैं मोस्टली देखता हूँ कि सभी पेरेंट पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सभी को जॉब चाहिए क्योंकि वो अच्छा लाइफ बिता सके, तो मेल और फीमेल दोनों ही जॉब कर रहे हैं और बच्चे को वो अकेला छोड़ देते हैं। और बच्चों की जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो पेरेंट से ही मिलती है, उसको स्कूल का टीचर या स्पोर्ट्स कोच उसको दुनिया नहीं सिखा सकता जितना उसके मम्मी और पापा सिखा सकते हैं। तो बच्चा जब वो छोटा होता है अंडर 12 तो वो एक बचपना रहता है, वो सभी की बात मानता है, सभी को फॉलो करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसको दुनिया के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो जाती है, और वो बच्चे एक दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में कदम रखने जा रहे होते हैं। और आज के टाइम में फ़ोन एक बहुत ही अच्छा यंत्र है पूरी दुनिया को जानने के लिए, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो दूसरी डायरेक्शन में होता जा रहा है। जैसे एक दोस्त है तो वो पीयर प्रेशर में आकर दूसरों की तरह होना चाहता है कि मैं भी ऐसा हूँ, मेरे फ्रेंड्स घूम रहे हैं तो मुझे भी घूमना है, मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पर्सनल लाइफ में, तो मुझे भी ऐसा करना है। और पेरेंट्स का दबाव ना होने के कारण, उनकी पकड़ बच्चों पर ना होने के कारण बच्चे उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते जाते हैं, जिसमें टीचर और कोच को उन पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उसका असर एक शिष्य पे बहुत ही ज़्यादा दिखता है। एज अ कोच मैंने फेस किया है कि स्टूडेंट्स को आप जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग दे दो, अगर वो मेंटली किसी और डायरेक्शन में है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और उस स्टूडेंट को एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक एथलीट अगर वो अच्छे लेवल पर खेल रहा है तो उसमें पेरेंट के साथ साथ कोच का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आज के पेरेंट को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा समय बच्चों के साथ भी बिताएं, जो चीज़ें वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं वो चीज़ें आप उनके साथ बात करें, उनके साथ शेयर करें, उनको सिखाएं, ये नहीं कि उन्हीं की एज के बच्चे उनको एक गलत डायरेक्शन में ले जाए और आप फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए पछताएं कि हमने उनका फ्यूचर देखा था एक आईएएस के रूप में या अच्छे एथलीट के रूप में, और ये आज उस स्टेज पर है जो कुछ भी नहीं कर सकता।
सर एक चीज पूछना चाहूंगी, जिंदगी में हमेशा अच्छा नहीं होता, बुरा तो होता ही है, लोग भी बुरे मिलते हैं, तो कई बार क्या ऐसी स्थिति आई है कि जब आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स, चाहे कोच, चाहे सोसाइटी, जहाँ पर आपको गुस्सा आया हो कि ये मेरे साथ गलत हुआ है और आपने कंट्रोल किया हो, ऐसी कोई स्थिति? स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती थी मैम, जो पेन है ना वो पेन सभी की लाइफ में आता है जी। तो मेरी लाइफ में भी आया, एज अ कोच भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मतलब जो वर्थ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जब एक फीस मांगने का टाइम आता है तो पेरेंट पीछे हटते हैं, पीछे कदम हटा लेते हैं, या हम किसी एथलीट को तैयार कर रहे हैं, जब वो तैयार बिल्कुल हो जाता है और अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करने वाला होता है तभी उसके पेरेंट कहते हैं कि नहीं अब तू नहीं खेलेगा, तो वो बहुत ही दर्दनाक पल होता है क्योंकि कोचिंग आसान काम नहीं होती है, एक एथलीट के साथ साथ कोच को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा जो अपनी लाइफ में जो बुरी चीज़ लगी है वो एथलीट को तैयार कर कर उनको अच्छे लेवल पे नहीं खिला पाना, वो भी पेरेंट की गलती की वजह से, तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मैंने बहुत सहा इसके लिए जी। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहें? मैं आप सबको मैम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी गिव अप ना करें जी। कि जिसने गिव अप कर दिया वो लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकता, और प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है तो उसका सॉल्यूशन भी सबके पास है, और आप ही हैं जो खुद को चेंज कर सकते हैं। जो आपका दिमाग है वो बहुत बड़ी ताकत है, आपके शरीर में ताकत नहीं है लेकिन आपके दिमाग में बहुत बड़ी एनर्जी है, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है, आपकी सोच एक छोटे कंप्यूटर से लाख गुना ज़्यादा है, तो उसको आप विकसित कीजिए और नई नई चीज़ें सीखें और नए नए लोगों से मिले और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। वाकई ही दोस्तों अच्छा लगता है उन सभी लोगों से मिलना, उन सभी लोगों से बात करना जो अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते, स्थिति के सामने बेबस नहीं होते बल्कि लड़ते हैं, फाइट करते हैं और विनर की तरह सामने आते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।